राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको इनर वाली पैंट की कटिंग करना बताऊंगी बिल्कुल आसान से मेथड में, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये मेरे पास पैंट का कपड़ा है और ये इसका अस्तर है। कपड़ा मैंने 2.5 मीटर लिया है और जो इनर है वो मैंने 2 मीटर लिया है। तो इनर को मैंने पहले 2 ही पार्ट में कटिंग कर लिया इस तरह से, बैक और फ्रंट के लिए अलग अलग। ये मेरे पास 4 मीटर कपड़ा था तो मैंने पहले कुर्ती कटिंग कर ली है, जो बचा मैं अब इसकी पैंट की कटिंग करूँगी। तो पहले हम इनर को बिछा लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट के लिए इनर को बिछा लिया। इनर को बिछाने के बाद मैं आपको पहले पैंट का नाप बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या इसका मेजरमेंट लिया, और मेजरमेंट मैंने सिली हुई पैंट से लिया है। तो जो मैं पैंट की लंबाई रखूँगी वो 39 इंच है। आसन मैं रखूँगी इसमें 13 इंच आसन है, तो हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। और जो इसकी थाई है वो 13 इंच है। कमर है ऊपर से, बैक में तो इलास्टिक है और फ्रंट में बेल्ट है, तो इसकी 16 इंच है। और जो नीचे से मोरी रखनी है वो 8 इंच है। तो इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से निशान लगाएंगे लंबाई का। जैसे कि ऊपर मैं बेल्ट रखूँगी इसकी, तो मैं 1.5 इंच की बेल्ट रखूँगी, तो 1.5 इंच को हम ऊपर की तरफ निकाल देंगे और जितनी हमें लेंथ रखनी है उतना निशान लगा लेंगे। इसमें मैं लंबाई रखूँगी 39 इंच। तो ये मैंने 39 इंच पर निशान लगा दिया है, और सेम इस तरफ भी 39 इंच पर निशान लगा लेंगे 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकाल के। अब इन दोनों निशानों को नीचे से मिला देंगे। तो मिलाने के बाद अब ऊपर की तरफ से हम कमर का निशान लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट में हम डाट डालते हैं पैंट में, तो उसी के हिसाब से हम निशान लगाएंगे। जैसे कि ऊपर से मेरी आप में थी 16 इंच कमर, तो उसका हम अगर चौथा हिस्सा करेंगे तो 32 का राउंड में 32 होगी, तो 32 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 8 इंच आएगा। और 1 इंच हम सिलाई के लिए ले लेंगे, और इसमें 2 मैंने डाट डालनी है, तो 2 इंच मैंने डाट के लिए ले लिया है, टोटल हो गया 11 इंच। तो ये निशान मैं 11 इंच पे लगा लूँगी। और यहाँ पे मैं आसन का निशान भी 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकाल के फिर निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमें जब हम क्रोच एरिया की सिलाई लगाते हैं तो हमें मार्जिन भी चाहिए होगा अंदर की तरफ, तो मार्जिन लेते हुए मैं 15 इंच पर निशान लगाऊँगी आसन का। 13 इंच आसन तैयार था, तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। सेम 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकालूंगी, इस तरफ भी 15 इंच पे निशान लगा लूंगी, और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। ये मैंने मिला दिए हैं। अब यहाँ से हम थाई का निशान लगाएंगे। तो थाई का निशान हम कैसे लगाएंगे ये देख ले। तो ऊपर की तरफ मैंने 11 इंच का निशान लगाया, तो यहाँ पे भी पहले हम 11 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 11 इंच का निशान लगाया, अब दोनों निशानों को मिला देंगे। इस तरह से ये मैंने मिला दिया है। अब यहाँ से ये देखिए, मैंने थाई आपको बताई थी 13 इंच, तो 11 इंच ये लिया। अब 2 इंच हम आगे की तरफ लेंगे यहाँ पे क्रोच एरिया की शेप देने के लिए, और 2 इंच पे ही ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। पैंट है या प्लाजो है, यहाँ पे ज़्यादा राउंड शेप नहीं देनी होती, क्योंकि अगर हम यहाँ पर राउंड शेप देंगे ज़्यादा तो यहाँ पर झोल होगा और पैंट ऊपर की तरफ खिसकेगी। अब ये निशान लगाने के बाद यहाँ से लेते हुए और इसका हम सेंटर में निशान लगाएंगे इस तरह से। ये लगाने के बाद और इसको यहाँ से लेते हुए ऐसे माप लेंगे कि ये कितना, ये 6.5 इंच आया है, तो नीचे भी हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अभी निशानों को मिला देंगे। अब यहाँ पे हम मोरी का निशान लगाएंगे, तो मोरी इसमें मैं 8 इंच रखूँगी। तो जो ये मैंने सेंटर लाइन खींची है इससे हम 4 इंच इस तरफ निशान लगाएंगे और 4 इंच का इस तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से। ये मैंने 4 इंच को सेंटर में रखा और 4 इंच इस तरफ लगा दिया, और 8 इंच पे इस तरफ से निशान लगा देंगे। तो आपको ऐसे ही आद करनी है जितनी भी आपकी मोरी होती है। तो ये करने के बाद अब हम इसको मिला देंगे इस तरह से, रखेंगे और इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब फट्टी को हम ऐसे रखेंगे और इस निशान से लेते हुए और यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे। आपको ये गलती नहीं करनी है
कि आपको यहाँ पे तो इस तरह से रख लिया और यहाँ से आपको बिल्कुल नीचे से ले लिया, तो आपकी पैंट की जो शेप है वो बिगड़ जाएगी। अब ऊपर की तरफ यहाँ से हम इस तरह से, अगर हिप हैवी है तो आप यहाँ से बाहर की तरफ से शेप देंगे, अगर मीडियम है नॉर्मल है जैसे कि मैं निशान लगा रही हूँ तो आप इस ऐसे लेते हुए और इस तरह से शेप दे देंगे। ये शेप देने के बाद अब यहाँ से मैं एक इंच इस तरह से डाउन करूँगी ऐसे, और यहाँ से भी हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। तो ये सेंटर का मैंने निशान लगा लिया है, डेढ़ इंच ऊपर की तरफ निकाल के हम यहाँ पे डार्ट का निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 5 इंच पे लगाया है, यहाँ से इस तरह से डार्ट डालेंगे इसमें। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, अभी मैंने एक साइड से कटिंग की है, इस साइड से मैं बैक के साथ ही कटिंग करूँगी। तो मैं बैक पार्ट के लिए कपड़े को ऐसे ही सेम बिछा लेती हूँ। तो ये मैंने इनर को बिछा लिया है सेम फ्रंट के जैसे। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल समझने की बात है, इनर अगर आपका कम रहे तो जैसा ये मेरा कम रहेगा लंबाई में, तो मैं आपको तरीका बताऊँगी कि कैसे कटिंग करना है। तो ये देखिए, जैसे मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से कटिंग किया था, जो कि नीचे की तरफ 1.5 से 2 इंच बच गया था, तो जो बैक है उसमें ये बचेगा नहीं। जो ये मैंने निशान लगाया लंबाई का, इसको हम यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल किनारी के ऊपर इस तरह से। और ये साइड से मैंने इसलिए कटिंग नहीं किया था, अगर हम साइड से इसको कटिंग कर देते तो बैक का भी हमें सेंटर का निशान लगाना पड़ता, पहले कटिंग कर लेंगे। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो हम साथ ही इस तरह से बिछा सकते हैं। तो ये देखिए, जो ये एक्स्ट्रा था तो ये मैंने नीचे की तरफ निकाल दिया फ्रंट का, अब ऊपर की तरफ बचाया है मैंने, जितना ये नीचे था ऊपर की तरफ बचा दिया है मैंने। अब जो ये मैंने ऊपर की तरफ बढ़ा के लिया है, इसको हम बैक में 2 से 2.5 इंच जो एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, इसलिए मैंने ऊपर के लिए बढ़ाया है। तो अब देखिए, यहाँ से मैं 2 इंच उठा के कटिंग करूँगी। तो ये मैंने 2 इंच पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ से जो ये मैंने क्रोच एरिया फ्रंट का, इसे आगे की तरफ भी मैं 2 इंच ही बढ़ाऊंगी, क्योंकि फ्रंट में हमें मार्जिन वगैरह कुछ भी नहीं लिया, वो हम बैक में लेंगे। पहले तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। आपको ये नहीं देखना कि यहाँ से, तो आपको भी 2 इंच ले लिया तो यहाँ से कितना लेना है, आपको सिर्फ क्रोच एरिया से लेते हुए इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेनी है ऐसे। खींचने के बाद यहाँ पे भी हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको भी इस तरह से मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब ऊपर से जो ये मैंने 2 इंच बढ़ाया है, तो उसको कैसे रखेंगे, शेप फट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे मिला देंगे ऐसे। ऐसे मिलाने के बाद अब नीचे की तरफ यहाँ पे हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो देखिए, कई मेरी बहन ये भी सोचेंगी कि इनर की कटिंग की है तो आपको नीचे फोल्ड करने का तो लिया नहीं, क्योंकि मेरे पास लंबाई का इनर था जो ये कम था, तो मैं नीचे फोल्ड करने के लिए मेन कपड़े में रखूंगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे रखना है। अब इसको भी इस तरह से मिला देंगे। आपको अलग अलग निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह आसान सा तरीका है। कई मेरी बहनें क्या करती हैं, यहाँ से अलग लेती हैं, यहाँ से अलग लेती हैं, सिर्फ आपको 2 ही निशान लगाने हैं और उसको मिला देना है। अब ये बैक के निशान भी मैंने लगा दिए हैं, इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक में जो हम ये साइड में बढ़ा के लेते हैं, 2 इंच भी बढ़ जाता है, 2.5 इंच भी बढ़ जाता है, तो ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि बैक में हमें इलास्टिक डालनी होती है कि भाई चुंगट है जो वो अच्छे से बने, इसलिए इसको एक्स्ट्रा लिया जाता है इतने को। तो ये मैंने एक तरफ से कटिंग कर दिया। अब इस वाली तरफ से आप दोनों को ही एक साथ कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं आप ही सिलाई के लिए छोड़ते हुए इसको ऐसे कट कर दूँगी।
ये मैंने आपको पैंट की कटिंग करना बताया है। ऐसे आप किसी भी साइज़ के लिए पैंट की कटिंग कर सकते हो, सिर्फ आपको नाप सही से लेना है। तो ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर ली है बैक और फ्रंट की। अब मैं मेन कपड़े पे इसको कटिंग करूँगी। तो ये मैंने इनर को मेन कपड़े पे बिछा लिया है। कपड़े को भी मैंने टू लेयर में फोल्ड किया था फ्रंट पार्ट के लिए। अब यहाँ से देखिए, कुछ तो ये मेरा एक्स्ट्रा है, जैसे कि इसमें इनर, तो मैं यहीं से लूँगी लंबाई के पास से जितना मैंने फोल्ड करना है। तो मैंने ये 4.5 इंच तक रखा है, आप चाहो तो कम रख सकते हो। तो इस तरह से अब इसको ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद, और इसको यहीं से ऐसे ही शेप में कटिंग करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा आप कपड़ा बढ़ा सकते हो तो इस तरह से बढ़ा लें। तो ये मैंने फ्रंट की कटिंग कर दी है, फ्रंट पार्ट की कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो सेम ऐसे ही मैं बैक की भी कटिंग करूँगी। तो ये देखिए, सेम मैंने बैक को भी ऐसे ही बिछा के और निशान लगा लिया। बैक को मैंने यहाँ से पूरा ही 4.5 इंच बढ़ाया है। अब इसकी भी ऐसे ही सेम कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है बैक पार्ट की इस तरह से। ये मैंने आपको पैंट की कटिंग दिखा दी है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना कि आपको कैसी लगी। और ऊपर की जो बेल्ट मैंने आपको नहीं दिखाई कि कैसे निकालनी है, वो मैं कटिंग जब इसकी सिलाई करूँगी तो तभी लगाऊंगी। जो ये साइड से इसका कपड़ा बचा था, इसी में से मैं बेल्ट तैयार करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं कुछ नया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।